ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिवाजी एस्ट्रोलॉजी में। बासी रोटी खोले किस्मत का ताला, एक रोटी से चमकाएं अपनी किस्मत। दोस्तों, इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा जो धन की इच्छा न रखता हो। हर कोई यही चाहत रखता है कि उसके पास इतना सारा धन हो कि उसे वो प्राप्त कर सके और अपनी सारी इच्छाएँ उससे पूर्ण कर सके। यदि बहुत सारा नहीं तो कम से कम इतना धन हो कि वो अपना गुजारा कर सके। धन को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग सही राह चुनते हैं, वो धन पाने के लिए अति शीघ्र धन कमाने की कामना करते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाते। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि और कहा भी जाता है कि कई लोगों में प्रमाण भी देखा गया कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। दोस्तों, अगर आप भगवान की नित्य भक्ति करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर बदलाव आते हैं। आप अपने जीवन में उन चीज़ों तक पहुंच जाते हैं जिन चीज़ों तक पहुंचने का आपने स्वप्न देखा है। आज हम उसी के बारे में आपको बताएंगे। निश्चित तौर पे मेहनत के बिना कुछ भी नहीं, लेकिन अगर मेहनत के साथ साथ छोटे से उपाय करते हैं तो उसका लाभ आपके जीवन के अंदर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके जीवन में जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको जल्द प्राप्त होता है। आज हम आपको बताएंगे आपकी रसोई के अंदर जो आटा होता है उसके उपाय। जी हाँ, आटा हर घर में होता है। खाने के लिए दोनों समय गेहूं के रोटी या फिर किसी भी तरह के आटे की अगर आप रोटी खाते हैं तो आपको ये उपाय मालामाल बना सकता है। आपके जीवन से घर से कंगाली को कोसों दूर यानी कि कर सकता है। दोस्तों, आर्थिक तंगी जरूरी नहीं है कि गरीबी हालात में हो। कई ऐसे परिवार भी होते हैं जहाँ आय के स्रोत अच्छे हैं और कई स्रोत होने के बावजूद वहां पर धन से जुड़ी परेशानियां आने लगती है और रहती है। ऐसे में अक्सर जो अनावश्यक खर्च आ जाता है, अचानक कोई बीमार हो जाता है, कोई विपदा आती है तो जमा किया हुआ धन भी खर्च हो जाता है और व्यक्ति गरीब होने लगता है। कुछ ऐसी परेशानी होती है जिन्हें ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धन का न रुकना बताया गया है। मतलब परिवार में धन आता है लेकिन वो बेकार, जहां पर आपने सोचा नहीं है उन जगह पर खर्च हो जाता है, तो इससे परिवार के अंदर आर्थिक तंगी आ जाती है और आपके परिवार के सदस्यों के बीच हमेशा एक कलह का कारण बना रहता है, जिसकी वजह से आपकी अन्य इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती। इसके विपरीत कुछ ऐसे परिवार भी हैं जहां आमदनी के स्रोत आते हैं, दूसरा रुक जाता है। अर्थात अगर आपके परिवार के अंदर कमाने वाले 5 लोग हैं और 5 आपके साधन हो, लेकिन जैसे ही खुशियां आए 2 के पास पैसे रुक जाए या फिर आय के साधन घट जाते हैं, जिसकी वजह से आप जो सोचते हैं वो नहीं होता और आपको आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ती है। इसलिए आपको उन उपायों को जरूरत होती है करने की, ताकि आपके परिवार के अंदर खुशियां बनी रहे और आपको धन की दृष्टि से कभी भी कोई दुख नहीं देखना पड़े। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को कृपया लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं उपाय की। आपको उपाय कैसे करने हैं? बहुत ही सरल उपाय है, आटे के साथ ये उपाय किया जाता है। दोस्तों, जब आप चक्की पर आटा पिसवाने जाएं तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि शनिवार के दिन का जो आपको चयन करना चाहिए। शनिवार के दिन घर के अंदर आटा पिसवाना बहुत अच्छा माना जाता है और पिसवाने वाले से पहले आपको क्या करना है कि उसमें जो काले चने होते हैं वो डालने हैं। गुरु दोष और आपके जीवन में है अगर किसी भी प्रकार की, क्योंकि दोस्तों गुरु ग्रह धन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और गुरु ग्रह व्यक्ति के जीवन में प्रसन्नता लाता है, तो आपके जीवन में आर्थिक परेशानियां देखने को नहीं मिलती। इस वजह से गुरु ग्रह बहुत ही अच्छा माना जाएगा। तो आपको 100 ग्राम काला चना, 100 ग्राम तुलसी, दोस्तों 100 ग्राम आप को यानी कि संभव ना हो तो कम से कम 50 पत्ते तुलसी के पत्ते ले लीजिए और 2 दाने यानी कि ले लीजिए केसर के, डाल दें। और इसके अलावा कोशिश करें कि चक्की का जो पिसवाया हुआ आटा घर के सभी सदस्य इसे इस्तेमाल करें और इसे शनिवार के दिन ही पिसवाएं। इस उपाय को करने से बहुत ही जल्द आर्थिक तंगी दूर होती है और घर में धन आगमन के नए स्रोत खुलेंगे। इसके अलावा इससे सभी सदस्यों के बीच में जो कलह का, मनमुटाव का जो वातावरण है, स्थिति है, खत्म होगी और घर के अंदर खुशहाल देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप आर्थिक कंगाली का सामना कर रहे हैं और इसके साथ ही आपके परिवार के सदस्यों के बीच हमेशा टकराव रहता है,
अर्थात आपके घर में, परिवार में, सदस्यों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा या फिर परिवार के सदस्यों के बीच में मनमुटाव या फिर विवाद या विवाह यानी कि किसी प्रकार के विवाद है, तो आपके परिवार के सदस्य बड़े हो चुके हैं लेकिन उनकी शादी नहीं हो पा रही है, विवाह नहीं हो पा रहा, आपको मनचाही नौकरी नहीं मिल पा रही, नौकरी मिलने के लिए आपको यानी कि बहुत बड़ी जतन करनी पड़ रहे हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। निश्चित तौर पे आपकी जैसी मनोकामना उसकी पूर्ति हो, ऐसा ही अच्छा सा उपाय है। आप इन परेशानियों का चुटकियों में यानी कि सामना करेंगे और चुटकियों में इन परेशानियों को दूर कर देंगे। आपको करना क्या है कि गेहूं के आटे के अंदर थोड़ी सी हल्दी मिलाकर गुरुवार के दिन गाय को खिलाएं, इससे घर की नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म होकर जल्दी धन आने का योग बनेगा। अगर घर के अंदर पैसा नहीं रुकता तो इससे जल्द ठीक हो जाएगा। इसके अलावा प्रतिदिन आपको चींटियों को आटे देने हैं, काफी लाभकारी माना जाता है। आपको क्या करना है कि गुरुवार के दिन जो घर के अंदर रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं, आटा बनाते हैं, उसके अंदर आपको चुटकी भर हल्दी मिलाकर थोड़ा सा यानी कि पीला कर देना है और उससे बनने वाली जो पहली रोटी होती है उसे गौ माता को भोग लगाना चाहिए। किसी भी रंग की गौ माता हो, आपको उन्हें भोग लगाना है, उन्हें खिलाना है। अगर गौ माता ना हो तो गोवंश में यानी कि किसी को भी खिला दे चलेगा, अर्थात कि नंदी महाराज को खिला दे। आपको इनको भोग लगाना चाहिए। निश्चित तौर पे गुरु ग्रह आपसे प्रसन्न होंगे, आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा तुरंत प्रभाव से चली जाएगी और आप अपने जीवन के अंदर एक नया बदलाव महसूस करेंगे। अब बात करते हैं अगले उपाय की। दोस्तों, कई लोगों को मालूम नहीं कि शनि दोष उनको परेशान कर रहा है, वो भूल जाते हैं, उनको मालूम नहीं चलता, तो या तो अपनी कुंडली में किसी को वो दिखाते हैं। दोस्तों, अगर आपको अचानक किसी प्रकार की कोई भी दुर्घटना या फिर भय का सामना करना पड़ता है, फिर आपके परिवार के सदस्यों के बीच में शनि दोष से संबंधित परेशानियां आने लगती है, तो शनिवार को काले कुत्ते को सरसों के तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिला दें। न सिर्फ इससे शनि के संबंधित परेशानियां खत्म होंगी बल्कि इससे आपके परिवार के अंदर ऋण कर्ज खत्म होगा। इतना ही नहीं, आपकी हर मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, अगला उपाय, आपके घर की जो सबसे लास्ट वाली रोटी होती है, इस रोटी को आप थोड़ा सा सरसों का तेल और थोड़े से काले तिल चुपड़कर आप कुत्ते को खिला दे, काले कुत्ते को। दोस्तों, इस एक रोटी से अपनी किस्मत चमकाए, बंद किस्मत के ताला खुल जाएगा। और दोस्तों, यकीन नहीं मानते तो दुनिया के कई ऐसे लोग इस उपाय को करके अमीर बन चुके हैं। दोस्तों, एक रोटी से आप अपनी किस्मत जरूर चमकाएं। दोस्तों, क्या करें कि एक रोटी ले लें और एक रोटी में थोड़ा सा आपको दही और थोड़ी सी मिश्री रख करके फिर आप क्या करें कि आप ले जाकर गौ माता को खिला दें, इससे विशेष लाभ होगा। दोस्तों, यकीन मानिए, बहुत ही लाभकारी रहेगा। इस एक रोटी से आपकी किस्मत चमक जाएगी, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। दोस्तों, घर की जो सबसे पहली रोटी बने वो गौ माता के लिए ही बने और लास्ट की रोटी जो बने वो कुत्ते के लिए बने। दोस्तों, इससे आपके घर की सारी मुश्किलें दूर होंगी, घर में खुशियां छाई रहेंगी, करोड़ों के क्या अरबों के मालिक बन जाएंगे, करोड़पति भी बन जाएंगे, करोड़पति, घर से गरीबी दूर हो जाएगी। दोस्तों, जब आप यानी कि रोटी बनाते हैं तो रोटी आप पहले से ही अगर थोड़ा सा गुड़ मिलाकर रोटी तैयार कर ले, यानी कि मीठी रोटी तैयार करके कुत्ते को खिला दे तो विशेष लाभ होता है। और गौ माता को हल्दी डालकर और थोड़ा सा एक चम्मच दूध डालकर फिर आप एक रोटी तैयार करें, आटे में डालकर रोटी तैयार करें, फिर गौ माता को खिला दें। निश्चित तौर पर दोस्तों, करोड़ों क्या अरबों के मालिक बन जाओगे। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद यकीनन आप 100% अमीर बन जाएंगे और लाभ भी आपको होगा। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा जय माँ लक्ष्मी, और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।